अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हमजा अब्दुल्सत्तार एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूं इनकम टैक्सेशन एंड रिटर्न फाइलिंग के इस ऑनलाइन कोर्स में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा दोस्तों, हमने जो है वो अब तक जो वीडियोज़ जो रिकॉर्ड हो गई हैं उसमें हमने NTN रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, NTN एनरोलमेंट से रिलेटेड, बिजनेस प्रोफाइल में एडिशन से रिलेटेड डिस्कशन किया। उसके बाद फिर सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर बात हुई, फिर बिजनेस इंडिविजुअल जो है वो किस तरह अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने डिस्कस की और फिर वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कस की। उम्मीद है अब आप उन सब वीडियोस को देखने के बाद आप अपना रिटर्न इंशाल्लाह इस साल टैक्स ईयर 2020 का खुद फाइल कर सकेंगे। अच्छा, आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और ये सवाल हमसे बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग जो नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं उनको सबसे पहले जो है फिक्र होती है कि जो है लीगल जो है कंप्लाइंसेस क्या क्या होंगी, उसके जो है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ मैं फंस सकता हूँ, कितना मुझे साल में टैक्स देना होगा, क्या करना होगा, अगर मैं रिटर्न नहीं भरता तो उसके मुझे क्या नुकसान होंगे और मेरे कंसल्टेंट मुझसे कितने पैसे ले लेगा। ये सबसे पहले लोगों को फिक्र होती है जब भी वो नया बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। आज की जो है वो वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आपका बिजनेस मीडियम क्या होना चाहिए। आया आप जो है इंडिविजुअल काम करें या फिर जो है अगर आप दो लोग हैं तो आप पार्टनरशिप बनाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, या अगर आप दो तीन लोग हैं तो आप लोग कंपनी बना लें वो आपके लिए बेनिफिशियल है, या एज अ सोल प्रोप्राइटर एक आदमी जो है वो उसके नाम पे जो है वो बिजनेस को रजिस्टर कराया जाए इनकम टैक्स के अंदर और बाकी दो लोगों को सैलरी के ऊपर रखा जाए। अच्छा देखिए, हम ये जो आप डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ जो है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि टैक्स में आपको कहाँ कहाँ किस चीज़ में बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप एज इंडिविजुअल तीन लोग हैं और अगर एज इंडिविजुअल रजिस्टर करा के दो लोग को जो है सैलरी पे रख रहे हैं तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पार्टनर में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। वो एक लीगल इशू है और वो आपको लीगल वाले ही बेहतर बता सकेंगे। हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो है वो आपको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि आप अगर कोई नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो वो आप एज अ कंपनी काम करें या फिर एज अ पार्टनरशिप कंसर्न उसको लेके चलें या फिर आप उसको इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, जैसे हमने पहली सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसमें जो है टैक्स प्रोफाइल के अंदर बिजनेस ऐड करके एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करें। ठीक है, देखिए तीन तीन तरह से हम पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। एक एज अ सोल प्रोवाइडर कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म होती है, दो तीन पार्टनर्स हुए उन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप डीड बनाई, वो डीड आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। डीड रजिस्टर कराने का फायदा ये होता है कि कल को कोई लीगल केस हुआ तो वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। डीड जो है वो रजिस्ट्रार के पास स्टेट लाइफ बिल्डिंग है जैनो मार्केट के पास सदर में, वहाँ पे आप उसको डीड को अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें पार्टनर के एडिशन और डिलीशन के तरीके भी वाजे होते हैं कि अगर कोई पार्टनर है और वो डीड रजिस्टर हुई हुई है और अगर उसमें से कोई पार्टनर जो है वो छोड़ना चाह रहा है तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आपने अखबार में ऐड देना होता है और बताना होता है कि अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर आज के बाद कोई भी उसने कोई फॉल्ट किया या कोई डिफॉल्ट किया लोन में या उसके खिलाफ कोई लीगल केस हुआ तो ये वाला पार्टनर एक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो एक डेट दे दी जाती है, मिसाल के तौर पर 30 जून 2020 से ये वाला पार्टनर इस फॉर्म से रिटायर हो रहा है। लेकिन देखें, अगर आप ऐसा कंपनी काम करते हैं तो कंपनी काम करने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लीगल बेनिफिट्स की भी बात कर रहा हूँ। कंपनी के नाम के आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड में ये होता है कि इसमें डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। अगर कंपनी के ऊपर कोई जो है वो केस हो गया, कंपनी ने किसी पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया या कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है और कंपनी के ऊपर जो है वो बहुत सारी लाइबिलिटी है तो जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो कंपनी के एसेट से सेट ऑफ होगी। कंपनी की अगर लाइबिलिटी है कोई 4 मिलियन 5 मिलियन और कंपनी के एसेट्स हैं 1 मिलियन या 2 मिलियन के, तो जो जितनी भी लाइबिलिटी है वो एसेट्स को पहले सारे एसेट्स को डिसॉल्व किया जाएगा। 2 मिलियन के एसेट डिसॉल्व है जो कैश आएगा वो फिर अगर 4 मिलियन की लाइबिलिटी है तो और 2 मिलियन के एसेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं तो यानी कि सबको 50% जो है वो उनकी लाइबिलिटी का हिस्सा मिल जाएगा। अगर 2 मिलियन के बाद भी जो है कोई लाइबिलिटी सेटल होना रह जाती है तो आप डायरेक्टर से जाके उनके घर जाके क्लेम नहीं कर सकते, उनके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनकी लाइबिलिटी जो है वो कंपनी तक महदूद है। लेकिन अगर आप एज अ सोल प्रोवाइडर काम कर रहे हैं और अगर आपने किसी का डिफॉल्ट कर दिया और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर वो बैंक या जो भी लेंडर है वो आपके घर भी आ सकता है और आपका घर भी बिक सकता है और भी 10 मसले मसाइल हो सकते हैं।
तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और बड़ा काम करने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड बना के काम करें। उसमें लीगल कंप्लाइंसेज वगैरह भी होती हैं, उसकी भी एक कॉस्ट है, वो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपकी डायरेक्टर की अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और प्राइवेट लिमिटेड जो है वो प्रॉपर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। वो जो बिजनेस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड बनाकर, वो प्रॉपर फॉर्म है बिजनेस करने की। उसमें हर चीज़ जो है वो पॉलिसीज बनी हुई होती हैं, हर चीज़ वाजे होती है। जबकि एज इंडिविजुअल जो है वो तो नॉर्मल आपने देखा होगा दुकान चल रही है, जिस तरह शॉप चल रही होती है इस तरह एज इंडिविजुअल तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो है वो इनके टैक्स स्लैब में रेटों में क्या क्या फ़र्क है, और अगर आपकी कोई इनकम है 3 मिलियन या 5 मिलियन के करीब कोई इनकम है, उसको हम मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर एज इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, अगर वो कोई एओपी है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर वो कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, या अगर वो कोई स्मॉल कंपनी है तो उसको क्या टैक्स देना पड़ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी की उस दिन हमने डेफिनेशन देख ली थी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। स्मॉल कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो जुलाई 2005 के बाद से जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में रजिस्टर्ड है, या अब जो कंपनीज एक्ट 2017 है, और उसका पेडअप कैपिटल जो है वो 50 मिलियन से कम है। ठीक है, उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 250 से कम है साल के बीच में किसी भी वक्त, उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से कम है, और वो किसी दो कंपनियों के स्प्लिट होने से या मर्जर से फॉर्म नहीं हुई, ये स्मॉल कंपनी है। और अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी में आएगी तो उसका टैक्स रेट भी इसका पता था कि उसका टैक्स रेट जो है वो 23% टैक्स रेट होगा। लेकिन हम जो अभी आज डिस्कशन करेंगे वो कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के स्लैब को, पार्टनरशिप के स्लैब को और कंपनी के स्लैब को, ये समझ के कि कोई लार्ज कंपनी है और उसका टैक्स रेट जो है वो 29% का स्लैब उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, इसको हम तीनों को आपस में कंपेयर करके देख लेंगे। अच्छा देखिए, अगर आप एज अ एओपी काम करते हैं, पहले हम एओपी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई एओपी पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है और दो पार्टनर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उसमें एक पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर है और एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो वर्किंग पार्टनर लेकिन जो सैलरी ले रहा होगा वो उसको एज अ सैलरी जो है वो ना तो उस फर्म को वो सैलरी एज एक्सपेंस अलाउड होगी, ना उसके ऊपर जा जो वर्किंग पार्टनर सैलरी ले रहा होगा उसके ऊपर सैलरी का स्लैब लगेगा। वो तो जो भी पैसे वो विड्रॉ कर रहा होगा, चाहे वो सैलरी के नाम पे करे या किसी भी नाम से करे, वो बिजनेस ड्राइंग समझी जाएगी और वो एओपी के प्रॉफिट का पार्ट होगी। अगर एओपी ने एओपी प्रॉफिट कर रही है 3 मिलियन का, 3 मिलियन अगर एओपी का प्रॉफिट है, ठीक है, ये बिफोर एक्सपेंसेस है। ठीक है, पार्टनर वन जो है, दो पार्टनर है इसके अंदर, पार्टनर वन है वो सैलरी भी ले रहा है, वो ले रहा है 50,000 पर मंथ सैलरी, तो इसकी जो है एनुअल सैलरी बन गई 6 लाख रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बन रहा है 3 मिलियन में से 6 लाख माइनस करने के बाद 2.4 मिलियन जो प्रॉफिट है, ये दोनों प्रॉफिट मेंबर्स पार्टनर्स के दरमियान इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पार्टनर वन का जो है वो यानी कि टोटल प्रॉफिट शेयर हो गया 1.8 मिलियन, 1.2 मिलियन उसको प्रॉफिट में मिल गया और 6 लाख उसने अलग से सैलरी ड्रॉ कर ली। ये इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ये उनकी डीड के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो पार्टनरशिप एओपी है वो जो टैक्स दे रही होगी वो 2.4 मिलियन के ऊपर नहीं देगी, वो पूरे 3 मिलियन के ऊपर टैक्स देगी। तो क्योंकि जो पार्टनर जो भी सैलरी ले रहा होगा वो सैलरी वो उसको टैक्स के फॉर्म में एफबीआर वाले उसको एज अ ड्रॉइंग ही तस्वीर करेंगे, और पूरी जो एओपी होगी उसके ऊपर 3 मिलियन के ऊपर ही टैक्स लगेगा। जो 3 मिलियन जिस स्लैब में फॉल कर रहा होगा उसके हिसाब से वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, और टैक्स लाइबिलिटी भी उसी हिसाब से कंप्यूट की जाएगी। ठीक है ना, अब हम इसी सिनेरियो को देखते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। दो लोग हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मशवरा किया, बिजनेस को रजिस्टर कराया एक के नाम पे, एक सोल प्रोप्राइटर के नाम पे रजिस्टर कराया। ठीक है, प्रॉफिट 3 मिलियन ही है, दो पार्टनर है लेकिन उन्होंने रजिस्टर अपने आप को करा लिया एज अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, अच्छा जो पार्टनर वन है जो कि जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर है, सैलरी वो तो वो सैलरी नहीं ले सकता। जो पार्टनर जिसके नाम पे रजिस्टर नहीं है उसके नाम पे उन्होंने सैलरी रख दी 6 लाख रुपए पार्टनर टू के नाम पे। ठीक है, पार्टनर टू के नाम पे 6 लाख रुपए सैलरी हो गई। अच्छा, जो पार्टनर वन है जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, पार्टनर वन जब अपना इनकम टैक्स का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा होगा जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है,
बिजनेस ओनर हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, जिसके नाम पे जो बिजनेस का ओनर है, जब वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो उसको जो 6 लाख रुपए जो उसने दूसरे पार्टनर को एज ए सैलरी के फॉर्म में दे दी हैं, वो उसको एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड हो जाएंगे, और ये जो टैक्स भरेगा ये 2.4 मिलियन के ऊपर टैक्स दे रहा होगा। ये आपको बेनिफिट सोल प्रोवाइडर में मिलेगा। अच्छा, सेम बेनिफिट आप जो है कंपनी के अंदर भी ले सकते हैं। अगर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड है, 3 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन 2 डायरेक्टर्स जो हैं जो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, 1 डायरेक्टर जो है वो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व है, और जो बाकी 2 डायरेक्टर हैं उनकी शेयर होल्डिंग है, एक्टिवली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं। तो जो डायरेक्टर 1 है वो उसका भी 33.33% स्टेक है इस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, लेकिन डायरेक्टर 1 जो सैलरी ले रहा होगा वो प्राइवेट लिमिटेड को एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड होगी जब प्राइवेट लिमिटेड अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रही होगी। तो ये जो 6 लाख रुपए जो डायरेक्टर 1 ने सैलरी ले ली है वो उनको प्राइवेट लिमिटेड को एज अ टैक्स एक्सपेंस अलाउड होगा, और प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगी वो 2.4 मिलियन रुपीज होंगे, ठीक है। तो AOP के अंदर जो है आपको जो भी सैलरी, जो भी अगर जो भी पार्टनर है जो फॉर्म की डीड के अंदर रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, वो अगर कोई भी पैसे लेंगे, चाहे वो सैलरी के नाम पे लें, किसी भी नाम पे लें, तो वो FBR उसको एज अ ड्रॉइंग तस्वर करेगा और वो आपको सैलरी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगी। लेकिन सोल प्रोवाइडर और कंपनी के केस के अंदर अगर कोई पार्टनर जो है वो सैलरी विड्रॉ कर रहा है, सोल प्रोवाइडर केस में शर्त यह है कि वो खुद बिजनेस ओनर ना हो, उसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो। अगर वो जो है किसी और पार्टनर को सैलरी दे रहा है तो उसको टैक्स एक्सपेंस अलाउड होगी, और कंपनी के केस में चाहे भले वो डायरेक्टर शेयर होल्डर हो या ना हो, अगर वो सैलरी ले रहा है तो कंपनी को वो अलाउड होगी कि अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से उसको एक्सपेंस को माइनस कर ले। अच्छा, अब हम इसको एक सिनेरियो की मदद से समझ लेते हैं कि अगर कोई एज अ मिस्टर ए हैं, अगर वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं, तो वो उसको कौन सा उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको किस फॉर्म में रजिस्टर कराएं कि उनको सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। आया वो सोल प्रोप्राइटर काम कर लें, एक AOP बना के किसी के साथ काम कर लें, या फिर वो अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड सेटअप कर लें, ठीक है। मिस्टर ए जो है उनकी एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम जो हमने सिनेरियो के अंदर ली हुई है वो ली हुई है 2.9 मिलियन, ठीक है। 2.9 मिलियन मिस्टर ए की टैक्सेबल बिजनेस इनकम, टोटल इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम जो है उनकी 2.9 मिलियन है, ठीक है। अच्छा, और उनकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो एस्टिमेटेड है 2.6 मिलियन, तो उनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई वो 5.5 मिलियन हो गई, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने ये किया हुआ है कि मेजर शेयर जो है वो अगर वो AOP और कंपनी भी बनाते हैं तो उनको ही दिया है सिर्फ टैक्स स्लैब को चेक करने के लिए, कि अगर वो AOP बनाते हैं तो भी हमने लिखा है कि अगर AOP में अगर वो अपनी वाइफ के साथ अपनी AOP सेटअप कर लें तो AOP में भी उनका शेयर है 99%, और अगर प्राइवेट लिमिटेड वो बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में भी उनका शेयर है 99% होल्डिंग उनकी है, 1% होल्डिंग उनकी वाइफ की है, ठीक है। पहले इसको हम एज अ इंडिविजुअल के स्लैब से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने टैक्सेबल इनकम यहाँ पर लिख दी 2.9 मिलियन जो उनकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम है वो यहाँ पर आ गई। फिर उनकी जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसके नीचे आ गई, ये आ गई 2.6 मिलियन। टोटल जो टैक्सेबल उनके इनकम उनकी बन गई वो बन गई 5.5 मिलियन, ठीक है। अब इसको स्लैब में देख लेते हैं, टैक्स रेट के हिसाब से स्लैब में इनके ऊपर क्या टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। फोर मिलियन तक की टैक्स लाइबिलिटी जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से 6,20,000 रुपये, और उसके ऊपर जो 4 मिलियन से ऊपर है यानी कि 5.5 मिलियन में से 1.5 मिलियन उसके ऊपर 30% ऐड हो गया, ये उनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई अगर वो एज इंडिविजुअल काम करते हैं 1.07 मिलियन। अगर मिस्टर ए एज इंडिविजुअल काम करेंगे जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो ये बन जाएगी 1.07 मिलियन। अब अगर मिस्टर ए जो है अपनी वाइफ के साथ जो है वो AOP बनाते हैं और एज अ सोल प्रोप्राइटर काम नहीं करते, तो फिर उनको उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो AOP होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें ये होता है कि पहले पार्टनरशिप फॉर्म ने अपना खुद का टैक्स अदा करना होता है। पार्टनरशिप बाकी मुल्कों में इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जो उनकी जो जितनी भी जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, और उनकी जो इनकम होती है जिस पार्टनर को जितनी इनकम बिलोंग करती है वो उसकी पर्सनल वेल्थ में ऐड हो जाती है, और उसके ऊपर वो खुद अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करके टैक्स पे करता है।
पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप फर्म अगर आपने बनाई है तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पहले टैक्स देना होता है, उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म का आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट हो जाएगा, और उसमें आपको उससे आपका जो है वो टैक्स स्लैब का रेट चेंज होता है, और जितना आपने पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो टैक्स दे दिया है पार्टनरशिप फर्म में, उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा, अब हम यही सिनेरियो कवर कर लेते हैं एओपी के अंदर। ठीक है, एओपी की टैक्सेबल इनकम आ गई 2.9 मिलियन। अच्छा, कि हमने एओपी का टैक्स निकाल लिया, 3,50,000 एओपी का टैक्स बन गया, ये नेट इनकम बन गई एओपी की आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब मिस्टर ए चुके जो है वो एओपी के ओनर हैं, तो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमने ऊपर देखी थी 2.6 मिलियन, वो हमने पूरी की पूरी यहाँ पर वैसे की वैसे ही उठा ली। तो क्या अगर वो अगर एओपी भी बनाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकी अपनी अदर इनकम है, वो हमने 2.6 मिलियन यहाँ पर ले ली। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी कितना होगा, एओपी की इनकम है 2.5 मिलियन। मिस्टर ए हमने क्वेश्चन में देख लिया कि मिस्टर ए की जो एओपी में शेयर है वो 99% है, तो ये बन जाएगी 2,524,500, इसका शेयर जो है वो मिस्टर ए का वो ये बन जाएगा शेयर ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की टोटल इनकम कितनी हो गई, एक 2.6 मिलियन हो गई जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, और एक हो गया उनका शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी, ये हो गई 2,524,500, टोटल इनकम की बन गई 5.12 मिलियन। ठीक है, अच्छा अगर 5.12 मिलियन के ऊपर हम टैक्स रेट लगाते हैं तो उसकी अमाउंट बन जाती है 9,57,000 की। ठीक है, टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपको भी टैक्स स्लैब में से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से इनको मिल जाएगा क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट किस चीज़ का मिल जाएगा, एओपी की, चूँकि 2.5 मिलियन जो इनकम है वो एओपी के है और एओपी के ऊपर जो है वो टैक्स दे चुके हैं, तो उसका उन्होंने क्रेडिट ले लिया। इसको क्रेडिट लेने का तरीका ये होता है कि आप जितना आपने जो है टैक्स लगाया वो उसको टोटल इनकम से डिवाइड कर दें, ठीक है, और फिर उसमें से जो एओपी की इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक, अच्छा, ये उनकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बन गई एज अ इंडिविजुअल। एक तो एओपी ने टैक्स दे दिया और उसके बाद इतना टैक्स मिस्टर ए ने खुद देना होगा 4,85,000। तो अगर एज अ एओपी मिस्टर ए काम करते हैं तो उनकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 8,35,000। यानी कि मिस्टर ए ने अगर एज अ पार्टनरशिप फॉर्म वो काम करते हैं तो उन्होंने टोटल ये टैक्स अदा करना होगा। कैसे अदा करना होगा, इतना 3,50,000 जो है वो उनका कट गया एओपी की इनकम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने एओपी की इनकम का शेयर ले लिया उसके ऊपर उनको एओपी की इनकम का क्रेडिट मिल गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर उन्होंने खुद ही जो है वो अपने रिटर्न के अंदर उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, ये 4,85,000। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी उनकी बन गई पार्टनरशिप फॉर्म में वो बन गई 8,35,000। पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें पार्टनरशिप में जो है वो अगर वो कोई पैसे निकाल भी रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से अंदर तो वो ऐसा सैलरी ही कंसिडर, सैलरी के मद में निकाल रहे हैं तो ऐसा ड्राइंग ही कंसिडर की जाएगी और उनको उसका कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा वो सोल प्रोवाइडर काम कर रहे हैं और ये जो इनकम है इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि 2.9 मिलियन है, अगर उसमें से वो 6-7 लाख रुपए अपनी वाइफ को साल के दे देते हैं सैलरी की फॉर्म में, तो वो उनकी वाइफ की सैलरी तस्वर की जा सकती है और उनको जो है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। 6 लाख रुपए अगर उनकी वाइफ की सैलरी है तो ये 2.9 मिलियन जो उनकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से ये 6 लाख रुपये माइनस हो जाएंगे और उनकी जो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी बिजनेस से वो 2.3 मिलियन बन जाएगी। लेकिन अगर तो मिस्टर ए को अपनी वाइफ को सैलरी देनी है तो उसकी जो है वो कुछ कंडीशंस हैं कि वो किस फॉर्म में जो है अपनी वाइफ को या किसी को भी कंडीशन दे सकते हैं। वो सैलरी की हमने पहले भी कंडीशन डिस्कस की थी कि जो है अगर जो भी सैलरी दी जाएगी अगर वो महीने की 15,000 से ऊपर है तो वो सैलरी एक तो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू देनी होगी। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप दो भाई हैं, ठीक है, अब आपने बोला कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी जो एनुअल इनकम होगी वो 1.5 मिलियन होगी, तो उसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप एज अ सोल प्रोपराइटर उसको एज अ सोल प्रोपराइटर चलाएं और एक पार्टनर जो है एक भाई जो है वो सैलरी ले ले और दूसरा भाई जो है वो बिजनेस के जो है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर बिजनेस के टैक्स दे दे। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या होगा, कहते हैं सैलरी के स्लैब में हम दे चुके हैं कि सैलरी में 6 लाख रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो एक भाई जो सैलरी ले रहा होगा वो अपने 6 लाख रुपये ले ले साल के ले लेगा, उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके वो पूरी इनकम वाइट हो जाएगी विदाउट टैक्स। अच्छा, और जो पहला भाई होगा यानी जो ब्रदर ए होगा उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि उसको जो 15 लाख उसकी जो टैक्सेबल इनकम है बिजनेस की
उसमें से 6 लाख जो उसने सैलरी के फॉर्म में ब्रदर टू को दिए हैं उसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो उसको एज एक्सपेंस अलाउड हो जाएंगे। लेकिन वो एक्सपेंस अलाउड होने की कंडीशंस क्या क्या होंगी, एक ये कि जो भी सैलरी होगी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दी जाएगी, जितनी भी सैलरी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दी जाएगी। दूसरा ये कि सैलरी जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे उसके ऊपर एक्सपेंस अलाउड होगा, रिसिप्ट बेसिस के ऊपर वो टैक्सेबल होगी। यानी कि अगर साल की 6 लाख रुपए अपने भाई की सैलरी है तो वो पूरी की पूरी 6 लाख रुपए भाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका एक्सपेंस बुक कर लिया, एक्रूड एक्सपेंस में खड़ी हुई है और वो पे नहीं हुई सैलरी। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर तो वो सैलरी 6 लाख रुपए से ऊपर है, यानी अगर स्लैब से ऊपर फॉल करती है तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जो बनता है भाई की सैलरी के ऊपर वो काट के ब्रादर ए ने FBR में जमा करवा दिया। हमने बात की थी कि वो एक्सपेंस जिसके ऊपर विथहोल्डिंग जो है वो कटना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए, अगर जो है एज अ बिजनेस इंडिविजुअल या अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं और आपने अगर वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो एक तो ये कि आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा पेनल्टी के साथ, दूसरा ये कि वो जो एक्सपेंस है वो आपने अपने बिजनेस इनकम के अंदर वो एक्सपेंस भी आपको अलाउड नहीं होगा, बल्कि टैक्स वाले उस आपके टैक्सेबल इनकम के अंदर उस एक्सपेंस को दोबारा एड बैक कर देंगे। तो ये तीन कंडीशन है, अगर ब्रादर है ये तीन कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो अपने भाई को दूसरे भाई को सैलरी के ऊपर रख सकता है। क्या है तीनों कंडीशन, कि जो भी सैलरी दी जाए वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दी जाए, ठीक है, सैलरी ब्रदर को रिसीव हो गई हो, और तीसरा ये कि अगर उसके ऊपर कोई विथहोल्डिंग टैक्स बनता है, अगर साल की वो 6 लाख रुपए से ऊपर है तो उसका विथहोल्डिंग टैक्स ब्रदर टू का काट के ब्रदर वन में जो है वो FBR में जमा करवा दिया हो, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, अगर 1.5 मिलियन बिजनेस इनकम है वैसे हमने 0.6 तो जो है वो सैलरी के एक भाई को दे दिए, ठीक है, और इस 0.6 के ऊपर हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स। ब्रदर टू को क्या फायदा हो गया, उसने ये 0.9 मिलियन उसकी बिजनेस इनकम हो गई, 0.6 मिलियन उसको एक्सपेंस अलाउड हो गया, इस 0.9 मिलियन के ऊपर जो भी स्लैब बनेगा ये साल का 20-25 हज़ार रुपये टैक्स बनेगा, उसने 20-25 हज़ार रुपये टैक्स पे कर दिया और अपना रिटर्न फाइल कर दिया। टोटल दोनों भाइयों ने 1.5 मिलियन के ऊपर यानी कि सिर्फ 25 हज़ार रुपये टैक्स भरा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है अगर आप एज अ सोल प्रोपराइटर काम करेंगे, और एक उसमें से पार्टनर जो है वो सैलरी ले लेगा और एक पार्टनर जो है वो बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स दे देगा। अच्छा, अगर यही केस अगर हम AOP में देखें, भले दो भाई हों, दोनों का 50-50% शेयर हो और 1.5 मिलियन प्रॉफिट हो, एक भाई को जो है वो 0.6 मिलियन की जो है वो सैलरी दे दी गई और उन्होंने कहा कि जो बाकी जो 0.9 मिलियन है वो दोनों भाई डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की कंप्यूट करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 1.5 मिलियन के ऊपर। जो 6 लाख आपने एक भाई को एक पार्टनर को सैलरी दी है वो उसको एज अ टैक्स FBR वाले उसको ड्राइंग तसव्वुर करेगा और वो पूरी की पूरी बिजनेस इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की फॉर्म के ऊपर, अगर एज अ कंपनी है उसमें क्या होगा। कंपनी है जिसकी टैक्सेबल इनकम है 2.9 मिलियन, हमने आसानी के लिए टैक्सेबल इनकम तीनों केसेस में सेम रखी है। अच्छा, और जो कंपनी के केस में हम बात कर रहे हैं वो हम कंपनी के टैक्सेबल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं नेट, हम बात कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, अगर उन्होंने कंपनी बनाई है तो मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। हम मिस्टर ए की टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, कंपनी की नहीं, मिस्टर ए की जो है वो अगर उन्होंने प्राइवेट लिमिट सेट कर लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने तीनों केसेस के अंदर सेम रखी है कि 2.6 मिलियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरेट होगी, ठीक है। अब कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम जिसको कहते हैं वो वाली अमाउंट है 2.9 मिलियन, ठीक। अच्छा, इस में हमने जैसे पहले बात की कि जो है हम ये समझेंगे कि कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं है बल्कि लार्ज कंपनी है, तो क्या स्मॉल कंपनी जो है उसकी कंडीशन भी हमने डिस्कस की, लेकिन स्मॉल कंपनी वो हो सकता है कि जिस साल आपकी कंडीशन मीट ना होगी, या आपने 250 से ज़्यादा एम्प्लॉई हायर कर लिए, या आपका जो है वो पेड अप कैपिटल बढ़ गया या रेवेन्यू बढ़ गया, तो आप स्मॉल से निकल के डायरेक्ट लार्ज कंपनी के स्लैब में आ जाएंगे। तो हमने ये इस केस में ये लिया हुआ है, हमने इसमें टर्नओवर डिस्क्लोज नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट किए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये लार्ज कंपनी है। 2.9 मिलियन हमने इनकम ले ली। अच्छा, टैक्स स्लैब इसका जो है वो कंपनी का डायरेक्ट लार्ज कंपनी का 29% है, ये 29% हमने टैक्स स्लैब ले लिया, यानी कि मिस्टर ए की जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी उसने 8,41,000 दे दिया टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। अच्छा, ये जो है इसके बाद ये जो अमाउंट बन गई नेट प्रॉफिट, ये बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही फिगर आ गई 205,900, ये कौन सी फिगर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2.05 मिलियन, ठीक है। अच्छा,
अब हम देखिए इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि कंपनी ने 2 मिलियन प्रॉफिट कमा लिया, वो कंपनी ने अपने रिजर्व्स में रहने दिया, वो मिस्टर ए को कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। अगर कंपनी उसको एज अ रिजर्व में ही रहने देती है और मिस्टर ए को उसमें कोई भी पैसे नहीं देती, कंपनी के रिजर्व बढ़ गए, मिस्टर ए की अपनी कंपनी है, मिस्टर ए चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस में मजीद पैसा डालूं, तो उन्होंने उसको एज अ रिजर्व ले लिया, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिस्टर ए की कंपनी जो कमाती है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और मिस्टर ए को उनकी पूरी की पूरी जो बिजनेस इनकम है वो डिविडेंड के फॉर्म में रिसीव हो गई। अच्छा, पहले तो ये हम कंप्यूट कर लेते हैं कि मिस्टर ए की बिजनेस इनकम कंपनी से बनती कितनी है। मिस्टर इनकम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग उनकी 99% है, 1% शेयर होल्डिंग उनकी वाइफ की है। अच्छा, मिस्टर ए की जो है टोटल इनकम बन गई, वो बन गई 2038400, 2059000 का 99% जो है वो मिस्टर ए की इनकम है, ये इनकम बन गई 2038400, ठीक। अच्छा, ये सिनेरियो बनना है कि ये इनकम इनको टैक्स की डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। अब हम ये करेंगे 2038400 की जो इनकी इनकम है उसको हमने लिया और उसके ऊपर 15% टैक्स का स्लैब का रेट अप्लाई कर दिया, ये अमाउंट बन गई 305762। अच्छा, फिर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो 2.6 मिलियन है, वो उनकी पर्सनल इनकम है, पर्सनल रिटर्न में आएगी, उसका हमने स्लैब से रेट लगा लिया, वो बन गया 2,90,000, ठीक है। 2.6 मिलियन के ऊपर जो है टैक्स स्लैब है 2,50,000 और उसके ऊपर जो है वो 20% का रेट लगा लिया, ये टोटल बन गया 2,90,000, ठीक। अच्छा, ये टैक्स मिस्टर इनकम ने खुद दिया 305762 प्लस 2,90,000 595762, ये टैक्स मिस्टर ए ने खुद दिया, ठीक है। अच्छा, उनकी कंपनी ने कितना टैक्स दे दिया, देखिए ये टैक्स मिस्टर ए ने खुद दिया 595762, ये टैक्स उनकी कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट 8,41,000 ये दे दिया, ठीक है। तो टोटल जो टैक्स दे दिया मिस्टर ए की कंपनी ने वो दे दिया 1,43,672, ये उनका टोटल कंपनी ने टैक्स दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने तीनों केसेस में निकाल लिए, मिस्टर ए ने जो है अगर एज अ प्राइवेट लिमिटेड काम किया तो उनकी कंपनी ने क्या टैक्स दिया, ये दिया, ठीक है। अगर एज अ पार्टनरशिप फॉर्म काम किया तो उन्होंने क्या टैक्स दिया, 8,35,000, और एज अ इंडिविजुअल काम किया तो उन्होंने क्या टैक्स दिया। अच्छा, जो कंपनी वाला टैक्स है उसमें हम अब एज्यूम कर लेते हैं मिस्टर ए की कंपनी जो है वो डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही और सारे के सारे पैसे जो है वो दोबारा रिजर्व में पड़े हुए हैं, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, ठीक है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स हो जाएगा नहीं। मिस्टर ए की कंपनी ने टोटल टैक्स मिस्टर ए ने अपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड बना कितना दिया, ये टैक्स उन्होंने 8,41,000 प्राइवेट लिमिटेड पे दिया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे दिया, टोटल टैक्स दिया 11,31,000। अच्छा, अगर वो डिविडेंड दे ना दे, कंपनी का टैक्स रेट सबसे ज्यादा है वो इस वजह से, तो क्या कंपनी टैक्स दे रही है 29% पे, जबकि इंडिविजुअल का स्लैब जो है वो 10% से 5% 10% से शुरू होता है। अच्छा, इस केस में हमने देखा कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किया है कि हम एज अ पार्टनरशिप हम बना के काम करें, ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये है कि मैं एज अ पार्टनरशिप फॉर्म बना के काम करूँ, उसमें मुझे सबसे कम टैक्स टैक्स देना है 8,35,727। अच्छा, लेकिन कंपनी के केस में भी एक चीज हमने जो भी इसमें इग्नोर की है वो ये है कि अगर मिस्टर ए अगर कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर हैं और मिस्टर ए अगर कंपनी से सैलरी ले रहे थे तो वो सैलरी के बाद जो है वो मिस्टर ए अब ये देंगे, अगर मिस्टर ए की कंपनी उनको दे रही है सैलरी, ठीक है, 6 लाख रुपए साल की उनको सैलरी दे रही है, तो ये जो इनकम हो जाएगी ये प्रॉफिट जो है वो 2.3 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में टैक्स की अमाउंट कम हो गए, खैर ये उनकी यहाँ पर ऐड भी होगा वापस, जो सैलरी की अमाउंट उनको मिली है वो यहाँ पर ऐड भी हो जाएगी और ये उनका शायद पर्सनल टैक्स 290 के बदले थोड़ा ज्यादा बन जाए, लेकिन आप देख रहे हैं टोटल टैक्स की अमाउंट जो है वो 1 मिलियन से कम होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो है वो टोटल इनकम कितनी है, उसके हिसाब से जो है वो स्लैब रेट्स वेरी करेंगे। कंपनी के फॉर्म में तो 29% ही आपको देना होगा, और अगर आप कंपनी का जो है वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो फिर कंपनी के केस में आपकी टोटल इनकम क्या बन जाएगी वो यहाँ पर हमने उसकी एक अलग से कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। एक कंपनी है उसकी टैक्सेबल इनकम है 1 मिलियन, अगर प्राइवेट लिमिटेड की टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन है तो पहले तो वो दे रही होगी 2,90,000 29% के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया उन्होंने। वन मिलियन से
280,000 टैक्स कट गया, ठीक है। ये जो अमाउंट बन गई 7,8,10,000, ये हो गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का, ठीक है। अब उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड दे रही है, 15% डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स कटेगा, ये 106,500, ये और टैक्स कट गया। तो अच्छा, कंपनी ने टोटल टैक्स कितना दे दिया, 2,90,000 एक दे दिया, फिर 106,500 प्राइवेट लिमिटेड ने अगर वो सारे जितने भी प्रॉफिट है वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो ये 106,500 मजीद टैक्स दे दिया। एग्रीगेट इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट ने पे किया वो किया 3,96,500। अच्छा, अब अगर इसको हम 1,000,000 की इनकम के ऊपर प्रोरेट करेंगे तो एवरेज इनकम टैक्स रेट जो कॉर्पोरेट को पड़ा वो पड़ता है 39.65%, जो कि पाकिस्तान में है, और ये बहुत ही ज़्यादा टैक्स रेट है, जिसकी वजह से लोग जो है वो प्राइवेट लिमिटेड बनाने से बहुत घबराते हैं। वो ये टैक्स रेट है जो अगर आप सारा प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपको ये टैक्स परसेंटेज पड़ती है 39.65%। अगर आप इसकी बेस पे देखेंगे, अगर आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसके लिए, इस केस में जो है अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप एज अ सोल प्रोपराइटर काम कर लें या AOP काम करें। लेकिन इसमें एक चीज़ वही है कि अगर आप सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व एड हो रहे हैं, बिल्ट इन हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो एक तो आपको डिविडेंड का 15% टैक्स बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर तीन डायरेक्टर हैं तो उसमें दो डायरेक्टर को आप, बल्कि तीनों डायरेक्टर को भी आप सैलरी दे सकते हैं, 6,00,000 रुपये तक की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो सैलरी ले सकते हैं, और उसके बाद जो कॉर्पोरेट इनकम होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स देना होगा। जबकि सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप के केस में तो जो है वो आपको सैलरी अलाउड ही नहीं है, और सोल प्रोपराइटर के केस में जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर है वो सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी अगर कोई सैलरी लेगा तो वो उसकी ड्रॉइंग ही होगी, उसको जो है वो उसकी बिजनेस इनकम में से माइनस करना अलाउड नहीं होगा, वो उसकी ड्रॉइंग तस्वूर की जाएगी, सैलरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर दूसरे पार्टनर को वो सैलरी दे रहा है तो वो उसका उसका बेनिफिट ले सकता है और अपनी बिजनेस इनकम में से उसको माइनस कर सकता है। तो ये आपने तीन वो देख लिए, तीन जो हमने इसकी प्लानिंग करके देख लिया कि हमने जो सिनेरियो कवर किया है उसमें सबसे कम टैक्स जो देना पड़ रहा है वो पार्टनरशिप की फॉर्म में देना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन जो है अगर जो ये अगर हम अबव कंपैरिजन की जो हम बात कर रहे हैं वो मैंने पहले आपको जैसे अर्ज किया कि हम इसको लीगली तौर पे कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एज अ सोल प्रोपराइटर काम करते हैं तो सोल प्रोपराइटर में नुकसान ये होता है कि अगर दो बंदे हैं तो बिजनेस उसी के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, अगर कल को कोई दोनों पार्टनर्स के अंदर जो है कोई फड्डा हो जाता है, इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जितना भी बिजनेस है वो मिस्टर ए का कहलाया जाएगा, मिस्टर बी का उसमें कोई शेयर नहीं है, ना उनके नाम पर रजिस्टर है, तो वो ना तो कुछ केस कर सकते हैं ना जो है उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में भी आप जब भी चैलेंज कर सकते हैं कि जब आपने उस पार्टनरशिप फर्म को स्टेट लाइफ बिल्डिंग में रजिस्टर से रजिस्टर कराया हुआ हो, वरना उस पार्टनरशिप फर्म की भी, उस पार्टनरशिप डीड की भी कोई लीगल हैसियत नहीं है। और पार्टनरशिप के केस में और सोल प्रोपराइटर के केस में अगर इंडिविजुअल जो है जिसके नाम पर बिजनेस रजिस्टर्ड है अगर कल को खुदा ना खास्ता वो मर जाता है तो बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और पार्टनरशिप के केस में भी अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो गया तो वो दूसरा बंदा जो बिजनेस कर सकता है, वो पार्टनर जो है वो अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स अलॉट होते हैं, SECB हर डायरेक्टर को जितनी उसकी होल्डिंग है उसके हिसाब से शेयर्स अलॉट करती है। मिसाल के तौर पर दो डायरेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डायरेक्टर बी ने बोला कि आज मैं अपनी शेयर होल्डिंग किसी को भी बेच सकता हूँ, वो जिसको चाहे मार्केट में अपनी शेयर होल्डिंग बेच सकता है, अगर ए डायरेक्टर लेना चाहे ए डायरेक्टर भी ले सकता है, कोई मार्केट में कोई सीड बंदा है वो उसकी शेयर होल्डिंग खरीदना चाहता है तो अपनी शेयर होल्डिंग आसानी से मार्केट के अंदर सेल कर सकता है और वो कंपनी जो है वो चलती रहेगी। अगर एक डायरेक्टर बी डायरेक्टर का इंतकाल भी हो जाता है तो कंपनी जो है वो जिस तरह वो पहले काम कर रही थी बिल्कुल उसी तरह काम करती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं उसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए कि डायरेक्ट उसमें डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अगर कल को प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया, कोई लोन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो खा गई लोन को, तो डायरेक्टर्स जो है वो पर्सनली जो है उस लोन को पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे। जितने कंपनी के एसेट्स हैं उनसे जो है कंपनी की लाइबिलिटी सेटल की जाएगी और जो कंपनी की लाइबिलिटी एसेट बेचने के बाद रह जाएगी उसका जो है कोई क्लेम नहीं कर सकता और डायरेक्टर्स के पर्सनल घर पे आके वो पैसे नहीं मांग सकता। जबकि सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप के केस में डायरेक्टर्स को अगर वो लोन की अमाउंट सेटल नहीं करेंगे तो अपने पर्सनल एसेट्स बेच के लोन की अमाउंट सेटल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो उसकी फिर कॉस्ट भी है। एक ये है कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है वो कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, SECB की कंप्लाइंसेस हैं, आपको जो है वो हर साल जो है प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कराना पड़ेगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से, उसकी एक कॉस्ट है।
और जो है वो हर साल एजीएम कंडक्ट होगी, जबकि डायरेक्टर्स के जो है वो हर 3 साल के बाद डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, वो आपने करवाना जरूरी है। तो जब भी आप कोई बिजनेस सेलेक्ट करें उसको जो है हर तरीके से एनालाइज करें। एक ये कि आप देख लें कंप्लाइंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंप्लाइंसिस कर सकता हूँ कि नहीं। एक उसके लीगल स्ट्रक्चर जरूर देख लें कि अगर कोई 3-4 लोग हैं जो पार्टनर्स बन रहे हैं तो अगर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मैं जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर किस फॉर्म में होगा। आया मैं एज अ सोल प्रोवाइडर सबसे ज्यादा सिक्योर हूँ, पार्टनरशिप के फॉर्म में सिक्योर हूँ, या प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज्यादा सिक्योर हूँ। अगर आप 3-4 लोग काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में होती है, और कोई डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग को जब्त नहीं कर सकता, उसके शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकता जब तक के एसईसीबी में प्रॉपर फॉर्म फाइल ना हो जाए, सब डायरेक्टर उसकी साइन के बाद रेजोल्यूशन ना पास हो जाए, तो कोई किसी की शेयर होल्डिंग खरीद नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। तो जो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो तो प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन हमने हमने जो है वो सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप एज अ सोल प्रोवाइडर काम कर लें या एज अ पार्टनरशिप काम कर लें। तो जो जिस केस में भी आप काम करने जा रहे हैं सारे चीजों को एनालाइज करें, टैक्सेशन रेट्स को एनालाइज करें, लीगल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, अपनी सेफ्टी देखें और फिर जो है वो इसका डिसीजन लें। उम्मीद है जो है इस वीडियो से आपको ये हेल्प मिल जाएगी और आप उसकी बेसिस पर डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी।